एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपके आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज है संडे, तो आज जो है ना बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छी दिन है, क्योंकि सुबह सुबह कॉल आया है कि आपका जो है ना कैमरा, जो कि ब्लॉगिंग कैमरा है, वो जो है आपका मतलब आ गया है। अब आपको घर मतलब पता पूछा गया था कहाँ पर आपको देना है, तो वो सब चीज़ बता दिए। तो अभी कुछ देर में हो सकता है वो आने वाले हैं। तो अभी फाइनली अभी धूप लगा रहे हैं छत पर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मतलब दो तीन दिनों के बाद जाके अच्छी से धूप हुई है। तो अभी धूप लगा रहे हैं, देखते हैं वो कब तक आते हैं। तो कॉल जैसे आएगी फिर हमें जाना होगा कैमरा लेने के लिए। तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही है, कैमरा आ रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम मतलब एक ब्लॉगिंग कैमरा। तो जी भाई साहब आ गए, फोन होना है क्या? नहीं जी, कैमरा है इसके अंदर, ब्लॉगिंग कैमरा है इसके अंदर। एक रुपया दीजिए, दीजिए एक रुपया, छोड़ नहीं सकते। नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लो अन्नू लो। अभी अन्नू करने वाली अनबॉक्सिंग, देखते हैं मतलब अगर जहाँ खराब निकला तो पूरा पैसा तुमसे लिया जाएगा। हाँ यही पेचकस से ही करो, यही करने का काम बता दो। हाँ टूट गया कैमरा, अंदर गया कैमरा टूटा, देखिए आवाज़ कितना किया, टूट गया समझ लो। वाह अन्नू वाह, छोटा, अब इससे ज्यादा नहीं खोला, अभी इससे ज्यादा ही खोलना है। क्या वो फ्लिपकार्ट वाले अंकल ही कितना खुश थे कि कैमरा बिक गया। वो भी बेचारे, मैंने बोला एक रुपया दो, बोलता भाई नहीं है कैमरा है। ये रहा कैमरा, इसको हम लोग पानी में भी डाल सकते हैं। सच्ची? 35 मिनट। कैसा लग रहा है बताओ, कैमरा आ गया अपने घर में? बहुत दिनों के बाद अपने घर में कोई कैमरा है, कैसा लग रहा है? बहुत नहीं, फर्स्ट टाइम आया है। फर्स्ट टाइम? इससे पहले कैमरा था, इससे पहले था कैनन का। खराब भी जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फीलिंग आ रहा है देखने में, भले छोटू है लेकिन काम इसका खतरनाक होने वाला है। और यहाँ पे बाकी सारे एसेसरीज यहाँ पे है, एक अलग पैकेट में, बाकी देखते हैं ये सब उसी मतलब फिट करने में बहुत टाइम लगेगी। अभी फाइनली हेलमेट लेना होगा, बहुत चीज़ करना होगा, फिर जाके अन्नू बाइक गिफ्ट करेगी, उसके बाद देखा जाए। हाँ अंकल आज तुम धीरा हो गए। आजकल के ज़माने में ऐसे नज़ारे कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे आप बीच रास्ते से जा रहे हो, साइड में ग्रीन ग्रीन पूरी मतलब हरियाली, और कुछ घर पूरी मतलब यहाँ पे, तो बहुत कम मिलते हैं ऐसे नज़ारे आजकल। टाइम में पानी आया था अपने यहाँ, पानी आया था उस टाइम आए थे यहाँ, पूरा सट गया था पानी, बोला था आ जाएगा बाढ़ आए उस टाइम। बता बहुत दिन बाद कहाँ है आप अपने हर गाँव में? मैं जहाँ देखो वहाँ PCC, बहुत दिन बाद है ऐसा जगह। इटाला रोज काल रोड काल के भौ काल है, इसमें चक्का उछलता ना सर, PCC से ज़्यादा अच्छा है। उस टाइम व्यू ओवर कैमरा रहता गजब। The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. यहाँ की खूबसूरती की अगर बात करें तो बहुत ही अलग लग रही है, मतलब अगर यहाँ अगर हम लोग एक घंटा भी बैठ के एक्सप्लोर करें ना इस चीज़ का, यहाँ का जिक्र करें तो बहुत कम होगा, क्योंकि देखने में बहुत ही खूबसूरत गांव और यहाँ पे मज़ा आ रहा है, मतलब एक अच्छी बात है। तो ये चंडिका स्थान, सामने जो मंदिर दिख रही है चंडिका स्थान है,
तो इसका भी किसी दिन अच्छे से ब्लॉग में आपको एक्सप्लोर करके बताएंगे, बट अभी एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं दूसरे काम से, तो इसलिए इस चीज़ का एक्सप्लोर करना बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी आसपास के गांव की अगर बात करें तो बहुत ही सुंदर गांव का वाइब्स अलग है, मतलब मज़ा आ जाता है यहाँ। मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि एक झोपड़ी वाला गाँव हो, मतलब। और ये आलोक धाम, ये सामने जो मंदिर का वो दिख रहा है ना, ये आलोक धाम है पंचवीर का। तो चलिए इससे आगे बढ़ेंगे तो वो भी दिखाएंगे, बाकी यहाँ भी कभी आने का मौका मिला तो आएंगे। जब आपके चारों तरफ ठंडी ठंड हो, मतलब कुआसा से पूरा भरा हुआ, और उस बीच में आप जब आग के पास बैठेंगे ना, तो हर एक जो दुनिया की सबसे बड़ी सुकून जो पाना चाहेंगे ना, उस सुकून से भी ज़्यादा ये सुकून है। उस टाइम पे उठने का मन नहीं करेगा,